Now, today we'll discuss NCERT exercise 3.3 chapter trigonometry, class plus 1. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to 1 by minus 1 by 2. So sin pi by 6, pi is 180 degree, 180 by 6, 30 degree, sin pi by 6, sin 30 degree is equal to 1 by 2. Pi 180 degree, 180 by 3, 60 degree, cos 60 degree is equal to 1 by 2. Pi is 180 degree, 180 by 4 is 45 degree, tan 45 degree means tan pi by 4 is equal to 1. So all these values, student, वैसे आपको पता होने चाहिए, these are the standard magnitudes of trigonometric angles, standard angles. So now, यहाँ पे sin pi by 6 की value put कर दो, 1 by 2, square आपका, ये रहा square. उसके बाद, cos pi by 3 की value put कर दो, cos pi by 3 की value क्या है, 1 by 2, यहाँ पे 1 by 2 पुट कर दी, ये स्केयर आपका, ये आ गया आपका स्केयर. उसके बाद माइनस टैन स्केयर पाई बाय 4, टैन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है 1, और ये आपका स्केयर और ये आपका यहाँ पे स्केयर आ गया. सो 1 बाय 2 का स्केयर क्या होगा, 1 बाय 4, 1 बाय 2 का स्केयर 1 बाय 4, 1 का स्केयर 1, सो 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 कितना आ गया स्टूडेंट, 1 बाय 2 माइनस 1, 1 बाय 2 माइनस 1 इज माइनस 1 बाय 2, सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 is equal to 3 by 2. So sin pi by 6 means sin 30 degree is equal to 1 by 2. अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, cosecant 7 pi by 6. So cosecant 7 pi by 6, 6 का टेबल बोलना शुरू कर दो स्टूडेंट, 6 pi plus pi, ये 6 पे जाएगा 1 पे, तो क्या आ गया cosecant पाई प्लस पाई बाय 6, और पाई मींस 180 डिग्री, 180 से कुछ ज़्यादा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव, पहले तो जो माइनस साइन डाल लो. अब पाई है, 180 डिग्री है, कोसेकेंट का कोसेकेंट रहेगा, टी रेशो चेंज नहीं होगी, तो क्या आ गया कोसेकेंट पाई बाय 6. सो कोसेकेंट पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेकेंट थीटा. अब कोसेकेंट पाई बाय 6 मींस 1 ओवर साइन पाई बाय 6. अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी, 1 बाय 2, 1 बाय 2, तो क्या आ गई कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 की वैल्यू माइनस 2, कितनी आ गई माइनस 2. ठीक है स्टूडेंट, सो कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 को कैसे लिख लिया, 6 पाई प्लस पाई, फिर ये 6 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया कोसेकेंट पाई प्लस पाई बाय 6, एंड कोसेकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होगा, माइनस ऑफ कोसेकेंट पाई बाय 6. एंड कोसेकेंट पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाय 2 है, तो कोसेकेंट पाई बाय 6 की क्या होगी 2, तो माइनस साइन माइनस 2. सो ये कोसेकेंट पाई बाय 3, पाई इज 1 डिग्री, 180 बाय 3 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मींस कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो स्टूडेंट, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2, ये आपका स्केयर था तो ये स्केयर हो रहा है, और ये आपका 2 था, ये 2 साथ में मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या आ गया कोसेकेंट स्केयर 7 पाई बाय 6, सो कोसेकेंट की क्या वैल्यू है माइनस 2, और स्केयर है स्टूडेंट आपका कोसेकेंट स्केयर है, तो ये आपका स्केयर आ गया, माइनस 2 का स्केयर हो गया, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्केयर पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2, ये आपका स्केयर हो रहा है कॉस स्केयर, और ये यहाँ पे आपका स्केयर आ गया. ठीक है स्टूडेंट, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 स्केयर कितना आ गया 1 बाय 2, माइनस 2 का स्केयर कितना हो गया, पहले ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 का स्केयर क्या आ गया 1 बाय 4, प्लस माइनस 2 का स्केयर कितना होगा स्टूडेंट 4, और ये आपका 1 बाय 2 का स्केयर कितना होगा 1 बाय 4, ये 4 4 कैंसिल हो गए, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 2. प्रूव हो गया स्टूडेंट हमारा, तो 2 इंटू 1 बाय 2 स्केयर कितना आ गया स्टूडेंट आपका 1 बाय 2, सो माइनस 2 स्केयर इंटू 1 बाय 2 स्केयर कितना आ गया 1, सो 1 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 2. सो दिस ऑल्सो प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कॉट स्केयर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टैन स्केयर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6. सो पहले क्या निकालेंगे कॉट पाई बाय 6, कॉट टैन पाई बाय 6 कितना होगा, पाई इज 180 डिग्री, 180 बाय 6, 180 बाय 6 30 डिग्री, और टैन 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट आपका 1 ओवर अंडर रूट 3, तो कॉट 30 डिग्री कितना होगा अंडर रूट 3,
मीन्स कॉट पाई बाय सिक्स कितना आ गया आपका अंडर रूट थ्री। सो कॉट पाई बाय सिक्स कितना आ गया स्केयर रूट ऑफ थ्री। अब क्या निकालना है हमने फाइव पाई बाय सिक्स, तो सिक्स का टेबल बोलना शुरू कर दो स्टूडेंट, ये वन पे ही जाएगा, सिक्स पाई माइनस पाई ऊपर फाइव पाई बाई है, ठीक है स्टूडेंट। इस फाइव पाई को कैसे लिख लिया, सिक्स पाई माइनस पाई नीचे क्या है सिक्स, तो क्या आ गया सिक्स पाई ओवर सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स। अब स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोसेकंट क्या होता है पॉजिटिव और ये पाई है 180 है, टी रेशियो चेंज नहीं होगी, क्या आएगा प्लस कोसेकंट पाई बाय सिक्स। सो पाई इज 180, 180 बाय सिक्स कितना आ गया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1 बाय 2, तो कोसेकंट पाई बाय सिक्स कितना होगा स्टूडेंट आपका 2। सो कोसेकंट 5 पाई बाय सिक्स, 6 पाई माइनस पाई बाय सिक्स, कोसेकंट पाई माइनस पाई बाय सिक्स क्या आ गया कोसेकंट पाई बाय सिक्स, ये कितना आ गया 2। नेक्स्ट आपका टेन पाई बाय सिक्स, पाई 180 डिग्री, 180 बाय सिक्स 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 3। अब सबकी वैल्यू जान पुट कर दो, कॉट स्केयर कॉट पाई बाय सिक्स की वैल्यू कितनी अंडर रूट 3 और साथ में ये स्केयर आ गया, कोसेकंट 5 पाई बाय सिक्स, कोसेकंट 5 पाई बाय सिक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी 2, ये रही कोसेकंट 5 पाई बाय सिक्स की वैल्यू 2, ये यहाँ पे पुट कर दी 2 आ गया। उसके बाद क्या स्टूडेंट आपका प्लस 3 टेन स्केयर पाई बाय सिक्स, ये आपका 3 है और ये आपका टेन पाई बाय सिक्स की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 3 और ये आपका क्या हो रहा है स्केयर, ये यहाँ पे स्केयर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सो अंडर रूट 3 का स्केयर क्या आ गया 3, ये आपका 2 और ये आपका 1 ओवर अंडर रूट 3 का स्केयर क्या होगा 3 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3 का स्केयर क्या होगा 3, 3 3 क्या हो गया कैंसिल और ये क्या आ गया आपका 1। सो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 6, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 साइन स्केयर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्केयर पाई बाय 4 प्लस 2 सीकेंट स्केयर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। सो पहले 3 पाई बाय 4 इसको कैसे लिखेंगे, 4 का टेबल बोलना शुरू कर दो 4 पाई, अब क्या करोगे 3 पाई बनाने के लिए माइनस पाई 3 4 पाई माइनस पाई क्या आ गया 3 पाई, 3 पाई को ऐसे लिख लिया डिवाइड बाय 4, अब क्या आ गया ये 4 4 कैंसिल हो गया क्या आ गया पाई माइनस पाई बाय 4। अब 180 डिग्री है पाई, पाई से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन आ गया। अब 180 डिग्री है पाई है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगी, क्या आंसर आ जाना है साइन पाई बाय 4। अब पाई क्या होता है 180, 180 बाय 4 कितना आ गया 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री कितना होगा साइन पाई बाय 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट ये आपको पता होने चाहिए, सारे एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स हैं पता होने चाहिए। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओवर अंडर रूट 2, इट मीन साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर अंडर रूट 3 और कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू पाई बाय 3 मीन्स कॉस 180 बाय 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1 बाय 2, तो सीकेंट 60 डिग्री कितना होगा 2, इट मीन्स सीकेंट पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है स्टूडेंट। सो सीकेंट पाई बाय 3 कितना आ गया 2, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, ये आपका 2, साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी 1 ओवर अंडर रूट 2, ये यहाँ पे पुट कर दी 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 आ गया। उसके बाद क्या आपका 2, ये रहा 2, उसके बाद क्या आपका कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है 1 ओवर अंडर रूट 2 और ये उसका स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर है। उसके बाद क्या आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 3, ये आ गया आपका 2 और सीकेंट पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी है 2 और ये इसका क्या है स्क्वायर, तो ये रहा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 बाय 2, सो 2 इंटू 2 क्या हो गए 1, फिर से 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, सो 2 डिवाइड बाय 2 ये भी क्या आ गया 1। अब 2 स्क्वायर इंटू 2 2 क्यूब, 2 क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, प्रूव हो गया स्टूडेंट, ये हमने 10 प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब स्टूडेंट हमें साइन 75 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हमें 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हमने कैसे लिख लिया 75 को 45 प्लस 30 डिग्री। और स्टूडेंट हमें फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए कितना है आपका 45 डिग्री, ये आपका ए है, और बी कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ए आपका 45 डिग्री है और बी कितना है 30 डिग्री। क्या आ गया, साइन ए साइन 45 डिग्री, कॉस बी कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए कॉस 45 डिग्री, साइन बी साइन 30 डिग्री। ये आपका फार्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। सो ये 2/√2 यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन एलसीएम, ये 2/√2 कॉमन आ गया, 1 × √3 आपका √3, 1 × 1 1, तो क्या आ गया आंसर √3 + 1/√2 √2। सो साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये वाली आ गई आपकी, √3 + 1/√2 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन 15 डिग्री। अब स्टूडेंट हमें टेन 15 डिग्री की स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है, तो 15 को कैसे लिख लिया, 45 - 30, क्योंकि हमें टेन 45 की वैल्यू भी पता है और टेन 30 की भी पता है। अब स्टूडेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या था, टेन ए माइनस टेन बी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टूडेंट आपको लास्ट लेक्चर जरूर अच्छी तरह देखना चाहिए। तो टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 + टेन ए टेन बी। सिमिलरली टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई ओवर 1 + टेन एक्स टेन वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका ए क्या है आपका 45 डिग्री और बी क्या है आपका 30 डिग्री, और टेन ए माइनस बी का फॉर्म लग गया, टेन ए टेन 45 डिग्री माइनस टेन बी टेन 30 डिग्री, 1 + टेन ए टेन 45 डिग्री टेन बी टेन 30 डिग्री। अब टेन 45 डिग्री की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है आपको 1, टेन 30 डिग्री की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है 1/√3, 1 + टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। सो क्या आ गया, 1 - √3 ओवर 1 + √3। अब नीचे से √3 का ले लो एलसीएम, ये और ये क्या हो गया आपके कैंसल, आंसर क्या आ गया, √3 - 1/√3 + 1। ठीक है स्टूडेंट, √3 - 1/√3 + 1। अब रैशनलाइज दिस, सो √3 - 1/√3 + 1 रैशनलाइज करो, क्या आ गया, √3 - 1 ऊपर, √3 - 1 नीचे। अब ऊपर ए माइनस बी का क्या आ गया, होल स्क्वेयर, तो क्या आ गया √3 - 1 का होल स्क्वेयर। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स √3 - 1। अब इसका स्क्वेयर क्या होगा, √3 का 3, 1 का स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो 3 + 1 - 2ab माइनस 2√3, √3 का स्क्वेयर 3 आ गया, ये माइनस 1 का स्क्वेयर 1 आ गया। सो 3 + 1 4 माइनस 2√3, 3 - 1 2। अब 4 के साथ 2 को डिवाइड करो कितना आ गया 2, और ये 2 2 भी कट गया कितना आ गया √3। सो 4 - 2√3 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया आपका 2 - √3। सो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली, टेन 15 डिग्री की, 2 - √3, दिस इज द आंसर, टेन 15 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स को आप ए पुट कर लो, कंप्लीट पाई बाय 4 माइनस वाई को आप बी पुट कर लो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको ए पुट किया तो क्या आ गया कॉज ए, इसको क्या पुट किया था आपने बी, क्या आ गया कॉज बी। सिमिलरली यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स को क्या पुट किया हुआ आपने ए, क्या आ गया साइन ए। पाई बाय 4 माइनस वाई को आपने क्या पुट किया हुआ बी, क्या आ गया साइन बी। अब स्टूडेंट ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फार्मूला था कॉज ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दी पाई बाय 4 माइनस एक्स, और बी की वैल्यू क्या है पाई बाय 4 माइनस वाई,
अब पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर कितना आ जाएगा, टू पाई बाय फोर माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस एक्स प्लस वाई। अब टू पाई बाय फोर क्या होगा स्टूडेंट, पाई बाय टू, क्या आ गया कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब स्टूडेंट ये आपको पता है कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाय टू मीन्स कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। स्टूडेंट ये कितना होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा। सिमिलरली कॉस पाई बाय टू माइनस, अब थीटा यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई, क्या यहाँ पे एक्स प्लस वाई, सो कॉस पाई बाय टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका साइन एक्स प्लस वाई, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, सो कॉस पाई बाय टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ गया साइन एक्स प्लस वाई, बिकॉज कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या स्टूडेंट सारा का सारा आपका थीटा है, ये थीटा है, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, तो क्या आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स ओवर टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वेयर। सो स्टूडेंट ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, वन प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा, और टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा का क्या फार्मूला था, वन माइनस टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन थीटा। स्टूडेंट अगर आपको फार्मूलेज नहीं याद हैं तो आप लास्ट लेक्चर एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स, क्या फार्मूला आ गया टेन पाई बाय फोर टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, सो क्या आ गया वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स, और नीचे टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी मीन्स टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन ए टेन बी टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स, सो टेन पाई बाय फोर इज वन, सो वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स, दिस इज वन वन प्लस टेन एक्स, सो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स ओवर टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, क्या रिजल्ट आ गया वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स, एंड टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स क्या है वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स। एंड स्टूडेंट ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, सो वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स, ये तो यहीं पे आ गया स्टूडेंट ये वाला, और जब ये ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाते हैं इनवर्स हो जाते हैं, ऊपर क्या हो गया वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स, तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका वन प्लस टेन एक्स का स्क्वेयर वन माइनस टेन एक्स का स्क्वेयर, क्या आ गया वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोज पाई बाय पाई प्लस एक्स, कोज पाई प्लस एक्स इंटू कॉज ऑफ माइनस एक्स ओवर साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉज ऑफ पाई बाय टू प्लस इज इक्वल टू कॉट स्क्वेयर एक्स। सो कॉस पाई प्लस एक्स, सो स्टूडेंट पाई इज 100 डिग्री, कॉस पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस क्या हमारा इवन फंक्शन है, सो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो कॉस पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, पाई है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगी, कॉस का कॉस रहेगा, सो माइनस ऑफ कॉस एक्स, एंड कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस कॉज एक्स आ गया, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, अब पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव आ गया, और पाई है टी रेशियो की सेंस चेंज नहीं होती, टी रेशियो की फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, सो साइन पाई माइनस एक्स क्या आ गया साइन एक्स। अब ये आ गया आपका कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है नेगेटिव, ये माइनस साइन आ गया। अब स्टूडेंट ये पाई बाय टू 90 का मल्टीपल है, तो टी रेशो जो टी टी फंक्शन था वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो क्या आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स, सो कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स क्या आ गया माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आ गया कॉस स्क्र एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या आ गया साइन स्क्र एक्स,
कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट स्क्वेयर एक्स, ये स्क्वेयर था तो क्या आ गया, कॉट स्क्वेयर एक्स, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, हो गया प्रूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉज ऑफ 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 3π/2 प्लस एक्स, स्टूडेंट ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 3 इंटू पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री, कितना आ गया 270 डिग्री, और 270 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ में आपका कॉस क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये पाई बाय टू का मल्टीपल है, पाई बाय टू मीन्स 90 का मल्टीपल है, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो प्लस आ गया, प्लस किसके कारण से आ गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये प्लस आ गया। अब ये पाई बाय टू का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज हो गई, फंक्शन चेंज हो गया, कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। सो कॉस 3π/2 प्लस एक्स का फंक्शन चेंज हो गया, क्या बन गया, साइन एक्स। नेक्स्ट आ गया कॉस 2π प्लस एक्स। अब 2π क्या था स्टूडेंट आपका, 360 डिग्री, प्लस एक्स मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। सो एक तो प्लस आ गया, दूसरा ये पाई का मल्टीपल है, 1 डिग्री का टी रेशियो चेंज नहीं होगी, तो कॉस 2π प्लस एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉस एक्स आ गया है, ये कॉस 2π प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स, और कॉस 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया आपका ये कॉट 3π/2 माइनस एक्स। अब 3π/2, 3π/2 मीन्स 270 डिग्री में कुछ माइनस हो रहा है। अब स्टूडेंट माइनस हो रहा है, 270 डिग्री ये रहा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, सबसे पहले तो ये प्लस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, प्लस क्यों आया, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब ये आपका 90 का मल्टीपल हो गया, पाई बाय टू मीन्स 90, अब कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन में, तो ये क्या आ गया, टैन एक्स। सो ये आपका कॉट 3π/2 माइनस एक्स क्या आ गया, टैन एक्स, और कॉट 2π प्लस एक्स, 2π मीन 360 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये पाई का मल्टीपल है, कॉट का कॉट ही रहेगा, क्या आ गया, कॉट एक्स। तो क्या आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स आ गया आपका टैन एक्स, और कॉट 2π प्लस एक्स आ गया आपका कॉट एक्स। अब इस टैन एक्स को कैसे लिख लो स्टूडेंट, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और कॉट एक्स को कैसे लिखो, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब यहाँ से स्टूडेंट ये आपका साइन एक्स कॉस एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम, ये साइन एक्स इधर गया, साइन स्केयर एक्स हो गया, ये कॉस एक्स उधर गया, क्या हो गया, कॉस स्केयर एक्स, ऊपर क्या आ गया, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, नीचे एलसीएम क्या आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स, और ये साइन एक्स कॉस एक्स के साथ क्या हो गया, कैंसल, और साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है स्टूडेंट, हो गया प्रूफ दिस 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एन प्लस 1x साइन एन प्लस 2x प्लस कॉज एन प्लस 1x कॉज एन प्लस 2x इज इक्वल टू कॉज एक्स। सो पुट एन प्लस 1 इंटू एक्स को क्या पुट कर लो स्टूडेंट आप, ए, एन प्लस 2 इंटू एक्स को क्या पुट कर लो, बी। अब स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया, सारा का सारा ए, और ये आपका क्या आ गया, बी, ये क्या आ गया, ए, और ये क्या आ गया आपका, बी। तो क्या फार्मूला बन गया, साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। स्टूडेंट ये क्या होता था, ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला है, कॉज ऑफ ए माइनस बी का, किसका फार्मूला है, कॉज ऑफ ए माइनस बी, कॉज ऑफ ए माइनस बी इज कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू वापस पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या थी आपकी, एन प्लस वन एक्स माइनस, ये माइनस ये वाला, और ये बी की वैल्यू क्या थी, एन प्लस टू एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट ब्रैकेट को ओपन कर लो, एन इंटू एक्स एन एक्स, वन इंटू एक्स एक्स माइनस एन इंटू एक्स माइनस एन एक्स, ये माइनस इसके कारण से आ रहा है, टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स। अब ये एन एक्स और एन एक्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक्स माइनस टू एक्स क्या आ गया स्टूडेंट आपका, माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस एक्स, कॉज इज इवन फंक्शन, कॉज ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉज एक्स, यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव हो गया, ध्यान से देखने स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस ऑफ कॉज 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू,
माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ टू साइन एक्स, सो कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई बाय फोर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे हमने क्या किया स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए यहां पे क्या आपका थ्री पाई बाय फोर और बी क्या आपका एक्स, तो क्या फॉर्मूला आ गया कॉज ऑफ ए प्लस बी, क्या होगा कॉज ऑफ ए प्लस बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये ए आपका क्या है थ्री पाई बाय फोर कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, आ गया फार्मूला। सिमिलरली अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का, ये आपका थ्री पाई बाय फोर ए है और एक्स क्या है आपका बी, और कॉज ए माइनस बी का फार्मूला क्या था कॉज ए मीन्स कॉज थ्री पाई बाय फोर इंटू कॉज बी कॉज एक्स प्लस साइन ए मीन्स साइन थ्री पाई बाय फोर इंटू साइन बी साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, कॉज ए प्लस बी का फार्मूला कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी का फार्मूला कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ए आपका यहाँ पे थ्री पाई बाय फोर है और बी यहाँ पे आपका एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये माइनस आ गया माइनस कॉस थ्री पाई बाय फोर इंटू कॉज एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया माइनस साइन थ्री पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स। अब स्टूडेंट ये आपका कैंसिल हो गया, दिस और दिस कैंसिल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, माइनस ऑफ साइन थ्री पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स और साइन थ्री पाई बाय फोर ऑफ साइन एक्स क्या हो गए माइनस टू साइन थ्री पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स। अब स्टूडेंट हमने ये निकालना है साइन थ्री पाई बाय फोर एक्स, फोर का टेबल बोलना शुरू कर दो, थ्री पाई है स्टूडेंट तो फोर का टेबल क्या आएगा फोर पाई माइनस पाई, इससे तो ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, नीचे फोर क्या आ गया साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर, अब पाई 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा कोण होगा साइन थीटा, पाई है थीटा से चेंज नहीं होगी, क्या हो गया साइन पाई बाय फोर, तो साइन थ्री पाई बाय फोर क्या आ गया साइन पाई बाय फोर, और साइन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ टू, सो साइन थ्री पाई बाय फोर को कैसे लिख लिया फोर पाई माइनस पाई ओवर फोर, फोर फोर कैंसिल क्या आ गया साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर क्या होगा साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी है वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ टू, तो क्या आ गया माइनस टू आपका साइन ऑफ पाई बाय फोर वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ टू, ये आपका साइन एक्स यहाँ पे चल रहा था ये साइन एक्स, तो ये साइन एक्स यहाँ पे आ गया, अब टू ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ टू क्या होगा स्क्वेयर रूट ऑफ टू, ये माइनस साइन ये वाला और ये साइन एक्स ये वाला, तो क्या प्रूव हो गया माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ टू साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आपने अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, मैं आपको हर लेक्चर में ये कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, आपने जितने भी अभी लेक्चर में क्वेश्चन देखे हैं सारे क्वेश्चंस आपने खुद निकाल के देखने हैं कि हमको क्वेश्चन समझ लग गए हैं, अगर नहीं निकले तो ये आप लेक्चर फिर से बार बार रिपीट करके देख सकते हो, जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं निकालोगे ये आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, और दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज योर कॉम्पिटिशन्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।